तो टेंशन हो रही है, पता है आपके स्कूल में पता लग गया ना कि आपके मम्मी पापा साथ में नहीं रहते हैं, तो आपसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करेगा, सब आपको गंदा बच्चा करके बुलाएंगे, मजाक उड़ाएंगे आपका, फिर आप सैड हो जाओगे। मैं नहीं देख सकता हूँ कि कोई भी आपको कहे कि ये गंदा बच्चा है, ये गंदा बच्चा है, मैं नहीं देख सकता हूँ, लेकिन मम्मा देख सकती है, देख सकती है मम्मा, इसलिए तो मुझे माफ करके घर नहीं आ रही है वो। गंदी है मम्मा, गंदी है मम्मा, मम्मा गंदी है। अरे मेरे बारे में छोड़ो यार, मेरे बारे में चलो मत सोचो, अपने बेटे के बारे में तो सोचो, सारा आपके बारे में नहीं सोचती है वो। मम्मा ना आपसे सच्चा प्यार नहीं करती है, नहीं, इसलिए आपको ऐसे दुखी देख सकती है वो। पापा करते हैं आपसे सच्चा प्यार, दिल से प्यार करते हैं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। कर छोड़ो, लगता है पापा की जिंदगी में रोना ही लिखा है बेटा, छोड़ो। चलो चलो चलो, आपकी आपकी मूवी मिस हो जाएगी भाई, हाँ आपकी मूवी मिस हो जाएगी, फिर आप सैड हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता हूं आप सैड हो। मम्मा चाहती है, पापा नहीं चाहते हैं। सी रवि, तूने मुझे आज ही इंफॉर्मेशन दे के यहाँ पे भेजा है। You told me कि यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे मॉम एंड डैड रहते हैं और वो दोनों बहुत सिंपल है, but let me tell you that is not the case. Firstly, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सिंपल नहीं है, and secondly, उनके साथ यहाँ पे एक तेज तर्रार किराएदार भी रहती है जो हर सिचुएशन में उनको ऐसे सेव करती है जैसे उनकी अपनी बेटी। क्या कर रहे हैं ये, समझ में नहीं आता कि इंसान इतना अजीब क्यों बिहेव करते हैं। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो लड़की और उसका बेटा दोनों यहीं पे रहते हैं तुम्हारे घर पे, और मेरे हर काम में हर बात में इंटरफियर करते हैं। डू यू गेट इट? इट्स अ न्यूज फॉर मी ऑल्सो, पता नहीं क्या करते रहते हैं, सठिया गए हैं दोनों। सी आई थिंक तुम्हें उन लोगों से बात करनी चाहिए। व्हाई शुड आई टॉक यार, और तुझे किस लिए भेजा वहां पे? You handle it, it's your duty. और तू पैसे किस बात के लेता है मुझसे? Sorry? पहले तो तुम बात ढंग से करो, and secondly, you should know कि ये काम आसान नहीं है, okay? Whatever. मैं ये फालतू का इमोशनल बर्डन खुद पे नहीं लेना चाहता। Okay, fine. I need some time. थोड़ा वक्त दो मुझे, मैं देखता हूँ। किससे बात कर रहे हैं ये? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसा ये बताते हैं वैसा है नहीं।